हम बात कर रहे हैं IRCTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में जो हमको ऑलमोस्ट 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 900 तक के टारगेट दिखाया स्टॉक ने, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 900 तक के टारगेट को, और 900 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। 900 के लेवल से रिजेक्शन लिया और गिरावट आई नीचे की ओर, 880 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो इस जो हाई है जहाँ से रिजेक्शन फेस किया था इसको मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था, कौन सा लेवल 860 का लेवल, और देख सकते हैं उसी लेवल से अगेन स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिली है और अपने रेजिस्टेंस को इन्हें 880 के लेवल पर ही अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दे गया, तो यही लेवल अब इसका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन अब ट्रेंड है पॉजिटिव, जंप आया, गिरावट आई तो लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ से अगेन बाइंग देखने के लिए मिली। अगर इस बाउंस बैक के साथ अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर गया IRCTC तो ये फिर क्लियर कट हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर लगातार अपसाइड दिखा सकता है। गिरावट आती है तो जहाँ से बाउंस बैक किया है 860 के लेवल से इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर जाता है तो तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। बड़ी गिरावट के साथ जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ था 840 का लेवल नीचे की ओर मेजर सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है तो अगेन 900 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट कर जाता है 900 का लेवल तो ये फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल। फिर नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 920 के लेवल पर, और 920 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो 930 से लेके 940 तक के भी टारगेट फिर IRCTC हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, फिर यहाँ तक का जंप भी देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।